जगदीश जी के पिताजी से मुलाकात हुई, उनकी माताजी से मुलाकात हुई और जो कुछ भी उन लोगों ने बताया, इससे साफ तौर पर जाहिर होता है कि ये पुलिस के लापरवाही के कारण ये हत्या हुई है। इसमें सीधे तौर पे पुलिस की लापरवाही का मामला है। 26 बार अगर एक फोन से कॉल आ रही है और पैसे की मांग की जा रही है और कानपुर की पुलिस उसको सर्विलांस पे नहीं ले पा रही है, फोन ट्रेस नहीं कर पा रही है, अपराधियों को पकड़ नहीं पा रही है, तो निश्चित रूप से ये पुलिस की लापरवाही के कारण हुई हत्या का मामला है। दूसरी बात, जो परिवार से जानकारी मिली कि थाना अध्यक्ष ने, पुलिस के अधिकारियों ने इनसे पैसा अरेंज करने के लिए कहा और 30 लाख रुपए अपना सब कुछ बेच के गिरवी रख के इन्होंने इंतजाम किया और जब पैसा देने के लिए गए तो अपराधी पैसा लेके भी चले गए और इनके बेटे की हत्या भी करा। अभी तक लाश भी नहीं खोज पाई है पुलिस। तो मुझे लगता है कि जंगल राज भी कहना शायद योगी राज को कम होगा, क्योंकि जंगल का भी कुछ कानून होता है और उत्तर प्रदेश के अंदर न कोई कानून बचा है न कोई व्यवस्था बची है। पूरी तरीके से एक परिवार को तड़पाया गया, रुलाया गया, उनकी पैसे उनकी संपत्ति गिरवी पे रखवा ली गई, पैसा भी गया, बेटा भी गया और अब जो पुलिस के अधिकारी बयान दे रहे हैं वो और भी दुख और पीड़ा देने वाला है। ये बता रहे हैं कि वो तो हमने नकली नोट दिलवाई। इसका मतलब आप ऐसे मौके पे भी परिवार को झूठा साबित कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए पुलिस के अधिकारियों को, शर्म आनी चाहिए जो इस तरह के बयान दे रहे हैं उन्होंने। ऐसी स्थिति में परिवार के लोग झूठ बोलेंगे क्या? तो मुझे लगता है कि इसकी एक गहनता से जांच होनी चाहिए और जो भी इसमें पुलिस वाले शामिल हैं, क्योंकि ये सस्पेंशन कोई इलाज नहीं है। आप 10 दिन के लिए सस्पेंड कर देंगे फिर उन्हीं पुलिस वालों को बहाल कर देंगे। जो खाकी वर्दी के लोग अपराधियों के साथ शामिल हैं उसकी जांच करा के उनको जेल में डालिए, उनको भी अपराधियों के तरीके से ट्रीट कीजिए। इसके अलावा कोई दूसरा आम आदमी पार्टी कैसे लड़ेगी इस मुद्दे को? हम लोग इनके परिवार के संपर्क में हैं और अभी इनकी फिलहाल ये मांग है कि हमारा बेटा हमारे सामने किया जाए वो किस हालत में है। अगर उसकी हत्या हो गई है, ऐसा हत्यारों का बयान है, अपराधियों का बयान है, तो उसकी लाश कहाँ है? उसकी लाश कहाँ है? अगर हत्या हो गई ऐसा बता रहे हैं वो अपराधी, तो कहाँ है उसकी अभी तक बरामदगी नहीं है। तो मुझे लगता है कि अभी तो पहली जरूरत यह है कि पुलिस प्रशासन कुछ भी करके पता लगाए कि किस हालत में संजीव है।